है। अररिया के ASP राम पुकार सिंह ने बताया कि कुछ लोग ट्रैक्टर से प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे थे, तभी वाहन बैरियर से टकरा गई और वाहन पलट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अस्पताल में जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और घटना पर दुख व्यक्त किया। विसर्जन करके जा रहे थे लोग, मंझगावा वार्ड नंबर 3 में जो बैरियर लगा हुआ था, नया रोड ढलाया हुआ था, वहीं से टकराने के कारण लोग 3 लोग उसमें उनकी मृत्यु हो गई है और 4 आदमी जो गंभीर रूप से घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया भेजा गया है। 4 आदमी का एक्सीडेंटल डेथ होना और सभी नौजवान है और जो बाकी लोग इंजोर्ड है उसका इलाज चल रहा है। जो एक्सीडेंटल सरकार का प्रावधान है वह मिलेगा, क्योंकि एक्सीडेंटल मौत है, सरकार का जो प्रावधान है उसको हम लोग दिलाएंगे।